हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्वीट डिश, जो पका हुआ पपीता होता है। ये है पका हुआ पपीता, इसका हम हलवा बनाएंगे। इसको तो हम ऐसे ही खाते हैं, लेकिन हम इसका मीठा हलवा बना के आपको दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके लिए हमने पपीता ले लिया। इसको पहले हम धो के पील कर लेंगे। पील करने के बाद इसको हम टुकड़ों में काट लेंगे, बिल्कुल इस तरह से टुकड़ों में काट के हमने जैसे कि रख लिया है। तो चलिए हम पके हुए पपीते का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने पैन चढ़ा दिया है पपीते का हलवा बनाने के लिए। पैन चढ़ा दिया, गैस ऑन कर दिया। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। घी को हम मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो जाएगा, फिर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। ये घी हमारा गर्म हो चुका है, उसमें थोड़े से हम काजू और बादाम है वो डाल देंगे। इसको बिल्कुल लाइट हल्का सा फ्राई करना है। एक अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक हमको करना है, बस जल्दी, ज़्यादा नहीं करना है। ये हो गया, अब हम इसको निकाल लेते हैं। चलिए हम निकाल लेते हैं इसको। अब हमने ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं। अब हम इसी घी में पपीते को डाल देंगे। जो पपीता हमने काट के रखा हुआ है इसको डाल देंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हम पपीते को पकाएंगे। पहले तो सबसे पहले तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट ढक के पकाएंगे, ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए, मेल्ट हो जाए। अगर आप चाहें तो इसको ग्रेट करके या पीस के भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही ऐसे ही गल जाएगा, तो चलिए हम इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो देखिए 5 मिनट तक हमने इसको ढक के पका लिया था पपीते को। अब ये थोड़ा गल चुका है, इसको हम किसी मैशर से या स्पैचुला से दबा दबा कर मैश कर लेंगे। ये बहुत जल्दी मैश हो जाता है। आपके पास कोई मैशर हो तो मैशर से ऐसे दबा दबा के स्पैचुला से अब इसको मैश कर लीजिए पूरा। आप ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं कद्दूकस करके। चलिए हम इसको मैश कर लेते हैं पूरा ऐसे दबा दबा के। इसको बहुत अच्छी तरह से फ्रेंड्स भूनना है। अभी हम थोड़ा सा घी और इसमें डाल देंगे। चलिए थोड़ा सा घी तले डाल देते हैं इसमें हम। एक चम्मच हमने घी और डाल दिया इसमें, देसी घी का यूज़ किया हमने। देसी घी में हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप तो जानते ही हैं। वैसे तो आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में अच्छा ज़्यादा आता है टेस्ट। अब ऐसे ही दबा दबा के इसको भून लेते हैं। सारा पानी इसका जितना भी मॉइस्चर है इसको सुखा लेना है बहुत ही अच्छी तरह से। तो चलिए हम इसको और भून लेते हैं। तो देखिए पपाया हमारा एकदम भून गया है, बस थोड़ा सा और भूनेंगे। इसका ऑयल ऊपर आ चुका है, बस 1-2 मिनट और भूनेंगे इसको। तो चलिए हम 1-2 मिनट और भून लेते हैं इसको। वैसे कच्चे पपीते की सब्जी बनती है, वो भी बहुत टेस्टी लगती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है। पपीता तो हर हाल में फ़ायदा करता ही है, पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छा फ्रूट है। 1-2 मिनट इसको और भून लेते हैं। चलिए देखिए हमने 2-3 मिनट और भून लिया है पपीते को। अभी बिल्कुल भून चुका है, इसका सारा
घी ऊपर आ गया है। अब इसमें हम शक्कर शामिल कर देंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करें, क्योंकि पपाया भी मीठा होता है। जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं आप उतना शक्कर डाल दें। हमने 4 चम्मच शक्कर डाल दिए। इतनी शक्कर इनफ होगी, क्योंकि पपाया बहुत मीठा था। फिर आप अपने हिसाब से शक्कर डाल लें। अब इसको मेल्ट होने देंगे शक्कर को। थोड़ी देर ढक देंगे इसको ना, तो शक्कर मेल्ट हो जाएगी। चलिए हम 1-2 सेकंड के लिए बस इसको ढक के पकाएंगे, ताकि भाप में स्टीम में शक्कर मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं शक्कर मेल्ट हो चुकी है और सारा घी निकल आया ऊपर। अब हम इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे, हरी इलायची का आधा छोटे चम्मच डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे वो डाल देंगे। ये सब मिक्स कर देंगे। खुशबू बहुत अच्छी आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें मावा डालेंगे, यानी कि खोया। हल्का सा इसका फ्लेम बंद कर देते हैं गैस का। ये डन हो गया। अब इसमें सिर्फ मावा मिलाना है हमको, तो हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें खोया मिला देंगे। तो चलिए हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। हमारा हलवा तैयार है। हल्का सा मेरा हलवा गुनगुना हो चुका है, ठंडा हो गया। अब हम इसमें खोया डाल देंगे। खोया हम डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो खोए को हल्का सा भून लें, उसके बाद भी ठंडा करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे ही डाल दिया। ऐसे भी अच्छा लगता है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। चलिए हम सर्व करके दिखाते हैं। हलवा मेरा डन हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मज़ेदार सा पके हुए पपीते का हलवा तैयार हो चुका है। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छा होगा ये। तो आप भी बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। तो ये है हमारा हलवा, बहुत ही मज़ेदार। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो, तो पके हुए पपीते का हलवा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दे। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।